नमस्ते बच्चों, एजुकेशनल क्विज मेनिया इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा पांचवी विषय हिंदी पाठ सातवां बधाई कार्ड इस पाठ का संपूर्ण स्वाध्याय पढ़ने वाले हैं। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 11 पर प्रकाशित बधाई कार्ड देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। एक, यह बधाई कार्ड किसने किसे भेजा है? उत्तर, यह बधाई कार्ड स्वप्निल और मेघा ने अपने दादाजी को भेजा है। दो, स्वप्निल और मेघा ने यह बधाई कार्ड किस अवसर पर भेजा है? उत्तर, स्वप्निल और मेघा ने यह बधाई कार्ड दादाजी के जन्मदिन पर भेजा है। तीन, स्वप्निल और मेघा अपने दादाजी के क्या है? उत्तर, स्वप्निल और मेघा अपने दादाजी के पोता और पोती है। चार, संदेश के स्थान पर कार्ड में क्या लिखा गया है? उत्तर, संदेश के स्थान पर कार्ड में जन्मदिन की बधाई लिखा गया है। पाँच, कार्ड में संबोधन और अभिवादन के स्थान पर क्या लिखा गया है? उत्तर, कार्ड में संबोधन के स्थान पर पूज्य दादाजी और अभिवादन के स्थान पर सादर प्रणाम लिखा गया है। बधाई कार्ड बनाने में कौन कौन सी सामग्री लगती है बताओ। उत्तर, बधाई कार्ड बनाने में निम्नलिखित सामग्री लगती है। उचित आकार का कागज, पुरानी साड़ी का लेस, टिकलिया, रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कैंची, गोल, स्केच पेन। बधाई कार्ड कौन कौन से अवसर पर दिया जाता है? उत्तर, जन्मदिन, विवाह समारोह, त्योहार आदि के अवसर पर बधाई कार्ड दिया जाता है। तो बच्चों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यह वीडियो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।